आज आ चुके हैं जी एक ऐसे बुफे में जो शहर का सबसे पुराना और सबसे पहला बुफे है। यहाँ पे मिलता है आपको वेज बुफे और नाम है एक्सप्रेस वेजिटेरियन। इनका बुफे जो है 170 रुपीस का। तो यहाँ पे आज टेस्ट दोबारा करने आए हैं और आपके साथ साझा करने आए हैं। तो यहाँ से लेते हैं टोकन और चलते हैं अंदर। गोयल साहब, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें समय दिया अपना कीमती हमसे बात करने के लिए। ऑलवेज वेलकम सर। थैंक यू सर। सर, आपका बुफे है शहर का सबसे पुराना। सर, हमने 2016 में स्टार्ट किया था जी ये बुफे अंडर द नेम ऑफ एक्सप्रेस वेजिटेरियन, जो कि मॉडल टाउन में सिचुएटेड है नियर डेरा सत करतार गुरु अमरदास चौक में। और रिसेंटली हमने अभी लुधियाना में भी अपनी एक ब्रांच स्टार्ट की है। वहाँ हमने अश्मीर चौक मॉडल टाउन में स्टार्ट किया है अंडर द नेम ऑफ द जलंधर वेजिटेरियन। तो दोनों जगह हमें पब्लिक का भरपूर प्यार मिल रहा है जी, और हम भी अपनी तरफ से ट्राई कर रहे हैं कि हम अच्छे से अच्छा खाना प्रोवाइड करें एक रीजनेबल रेट में। इतने ज़्यादा कंपटीशन होने के बावजूद भी, क्योंकि सर हमारी ट्राई रहती है कि हम अपने बेसिक्स पे स्टक रहें, बेस्ट फूड हम बेस्ट इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं, बेस्ट प्रोडक्ट बेस्ट वेजिटेबल्स अपनी तरफ से ट्राई करते हैं यूज़ करने की। और हमें गेस्ट भी हमारे यही कहते हैं कि जो क्वालिटी आपकी आज से 8 साल पहले थी वही आपने मेंटेन करके रखी हुई है, एंड दिस इज़ द रीज़न। और हमारे सारे फैमिली मेम्बर्स हमारे पार्टनर्स हमारे साथ यहाँ रहते हैं जी, ऑलवेज हम प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे। तो चलिए जनाब, हम देखते हैं बुफे में क्या क्या स्पेशल है इनके पास। तो आइए, स्टार्ट कहाँ से होता है जी? पिज्जे से होता है। ये देखिए भाई साहब, पिज़्ज़ा अनलिमिटेड है, जितना मर्जी खाइए। बहुत बढ़िया टेस्ट है इनके पिज़्ज़े का और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। तो मैं आपको ये भी एक टेस्ट करके बताऊँगा। तो बाकी का ये बुफे जो है मैं वन बाई वन करके आपको बताता हूँ क्या है इसमें। तो चलिए जी, पिज़्ज़े के बाद देखते हैं जी नूडल्स जो आ गए हैं जी। बहुत ही ज़बरदस्त देखने में लग रहे हैं, बच्चों की ये पहली पसंद रहने वाली है। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। फिर आ गया जी सेकंड आइटम जो चाइनीज़ में रहेगी, वो रहेगा पास्ता। वाजवा, क्या बात है, देखने में लाजवाब है। और ये आ गया जी मंचूरियन। वाजवा, थिक ग्रेवी वाला मंचूरियन है, थोड़ा पास्ते दिखाइए। और कलर बड़ा शानदार, और मंचूरियन के आप देखिए जी बहुत, वाह वाह वाह, क्या बात है जी। और आएगी जी सोया चाप और थिक ग्रेवी के साथ। और ये देखिए पीसेस सोया चाप के, ज़बरदस्त देखने में, बहुत ही बढ़िया लग रही है और खुशबू भी शानदार आ रही है। और ये देखिए भाई साहब, जीरा राइस बड़े खिले खिले लग रहे हैं और साथ में धनिया फेंका हुआ ऊपर, और बहुत ही बढ़िया देखने में। और स्वाद में कैसा है ये देखेंगे बाद में। और जी पंजाबियों की पहली पसंद कड़ी पकौड़ा, ये देखिए भाई साहब, वाह। तो बढ़िया थिक ग्रेवी के साथ कड़ी पकौड़ा। और दूसरी आइटम जो है वो रहेगी जी राजमा। इसके बगैर तो खाना हमारा अधूरा रहता है। तो राजमा जो है, खिले खिले राजमा, और वाई गॉड, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इस राजमा की। और दही बल्ले जी, बहुत सारे लोग शौकीन हैं जी दही बल्ले भी खाने के, और दही बल्ला भी आपको मिलेगा साथ में। दही बल्ले की सॉस भी है यहाँ पे, रेड सॉस। और ये लीजिए येलो दाल, जो कि आपकी सेहत का रखेगी ख्याल। तो धनिया मार के इसको बहुत सुंदर तरीके से लगाया हुआ है यहाँ पे। और साथ में आ गई जी काली दाल, वाह जी वाह, मखनी दाल जो है भाई साहब, इसके बगैर तो खाना अधूरा रहता है पंजाबियों का। तो वाह वाह, क्या शानदार दाल है। और ये आ गए जी चने, पंजाबी चने, चना मसाला, वाह वाह वाह, मज़ेदार लग रहा है जी, बहुत मज़ेदार लग रहा है एक। और फिर आ गया जी पालक कॉर्न्स, वाह जी वाह, अरोमा देखिए पालक कॉर्न्स का कैसे आ रहा है ऊपर। और इसका तो डेफिनेटली टेस्ट करेंगे। मिक्स वेज आती है जी उसके बाद। मिक्स वेज में आप देखिए जी हर तरह की सब्जी आपको मिलेगी, साथ में पनीर भी मिलेगा। और फिर आता है जी पनीर की सब्जी, जो कि पनीर की डिश जो है, साथ में देखिए पनीर के चंक कैसे क्यूब्स हैं भर के डाले हुए। तो बढ़िया रहने वाला है जी आपका बुफे। और साथ में है जी आपकी प्लेट को चार चांद लगाने के लिए सैलड, जो टोटल बुफे में आइटम है 17-18 आइटम है। साथ में आपको 4-5 तरह की चपाती भी सर्व की जाती है, वो टेबल पर सर्व होगी। पिज़्ज़ा भी आपको टेबल पर सर्व हो जाएगा, लेना चाहते हैं यहाँ से भी ले सकते। तो भाई साहब चलिए जल्दी से करते हैं प्लेटिंग, देख के भूख और बढ़ गई है। तो आपको टेस्ट करके बताते हैं, तो स्वाद जो है वो साझा करते हैं। तो चलिए जी पिज्जा से करते हैं स्टार्ट। पहली डिश जो हमारी प्लेट में आ रही है वो आ रहा है जी पिज्जा। बाकी की बारी आ गई जी यहां से चाइनीज से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए भाई साहब, जैसे कि आपको बताया कि नूडल्स देखने में बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं, तो इसका टेस्ट तो बनता है। तो थोड़े से हम नूडल्स करेंगे, थोड़ा थोड़ा सभी टेस्ट करेंगे। तो याद रहे कि फूड हमने वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि 170 रुपीस में आपको अनलिमिटेड मिल रहा है। तो उतना ही डालिए जितना खा सकते हैं, बार बार डाल लीजिए, कोई रोकने वाला नहीं। तो ये रहा जी पास्ता, इसको हम करेंगे अभी के लिए स्किप। तो नेक्स्ट आ गया जी मंचूरियन, इसका तो करेंगे हम डेफिनेटली टेस्ट, इसको हम थोड़ा सा ले लेते हैं। तो थोड़ा थोड़ा सभी टेस्ट करेंगे। तो नेक्स्ट आ गया जी सोया चाप, ये भी हम स्किप करेंगे। तो राइस जो ज़रूर लेने वाले हैं जी, राइस जो है देखने में बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं, तो इसका टेस्ट तो करना बनता है, इसको नहीं छोड़ेंगे। और ये देखिए भाई साहब कड़ी पकौड़ा आ गया, और कड़ी पकौड़ा का थोड़ा सा हम लेंगे टेस्ट के लिए। तो ये रहे जी राजमा, और राजमा डालेंगे यहाँ पे, तो इसका तो टेस्ट हम करेंगे, क्या बात है जी। दही बल्ला है, इसको हम स्किप करते हैं अभी के लिए। आगे उसके बाद आ गई तड़का दाल आ गई, और साथ में काली दाल आ गई। तो थोड़ी सी काली दाल इस तरफ डालते हैं जी। चलिए वाह, देखिए भाई साहब ये आ गया जी पंजाबी चना,
चलो पंजाबी चना भी ले लेते हैं। तो भाई साहब ये देखिए, ये मिक्स वेज है, इसको भी करते हैं स्किप। तो ये रही जी पनीर की सब्जी, तो ये थोड़ा सा हम ले लेते हैं पनीर। इस तरफ आ गया जी सैलड, आप जो भी लेना चाहे, साथ में पिकल भी है, मिक्स है, जो भी लेना चाहे आप थोड़ा सा ले लें, आपके ऊपर है कि आप क्या पसंद करते हैं। तो भाई साहब प्लेट हमारी होगी तैयार, इसका करते हैं हम टेस्ट। तो चलिए मिलते हैं टेबल पे। तो पिज़्ज़ा जैसे कि मैं बताया कि बड़ा शानदार इनका पिज़्ज़ा, और ये देखिए कैसा सॉफ्ट पिज़्ज़ा, और इसका टेस्ट वाकई बहुत बढ़िया, मैंने काफ़ी बार ट्राई किया। 170 का बुफे, 17-18 इनकी आइटम है, चपाती हैं अलग से 4-5 तरह की। भाई साहब जो कढ़ी पकौड़ा ना, उसका टेस्ट ना मसाले अलग अलग तरह के मुँह में आ रहे हैं, और खटास प्रॉपर है। तो जैसे कि बताया था जी, जो मंचूरियन ना बड़ा ज़बरदस्त लग रहा था देखने में, तो खाने में कैसा जी चेक करते हैं। ओहो, बच्चे जो सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं ना, उसका टाइम आ गया टेस्ट करने का। तो भाई साहब मैं ले रहा हूँ जी लच्छा परौंठा एक, तो यहाँ रख दीजिए, तो ज़रूर पड़ेगी तो मैं दोबारा फिर इनसे मांग लूँगा। ये सब यही रहे राजमा, इसका करते हैं टेस्ट, तो बढ़िया होने चाहिए जैसे कि देखने में लग रहे हैं। ये आ गए जी पंजाबी चना मसाला। ओहो, इस बुफे की खास बात पता क्या है? एक तो है जी सबसे पुराना, हमारे शहर का सबसे पुराना बुफे है, इसके बाद बहुत सारे बुफे आ गए, तो इनको बहुत सालों का है एक्सपीरियंस। तो टेस्ट में तो ये आज भी वैसे ही है जैसे पहले थे, कोई कमी नहीं है। और इनका एक सेकंड ब्रांच भी है जो कि लुधियाना में है, नाम है जलंधर वेजिटेरियन के नाम से, तो वहाँ भी ट्राई कीजिएगा। तो चलिए भाई साहब मैं करता हूँ इसको आराम से फिनिश, तो मिलते हैं ऐसी एक शानदार जगह पे और शानदार खाने के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय। मैं करता हूँ जी फिनिश इसको, मिलते हैं फिर।